अभी हम पटना राजधानी में हैं और महिला थाना के समीप है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पीड़िता आई हुई है जो कि सुहानी इनका नाम है और ये फेसबुक से प्यार की थी और फेसबुक से प्यार करने के बाद जो है आज क्या हाल है इनका देख सकते हैं। हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या हुआ इनके साथ, कैसे हुआ, कैसे तुम्हारे साथ ये सब हुआ। फेसबुक पर मेरे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था, वो हमको डेली आता जाता देखता था, हम पढ़ाते थे और प्लस पार्लर चलाते थे। पार्लर चलाते जी, आता जाता देखता था। उसके बाद फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास भेजा और हम एक्सेप्ट किए। फिर वो हाय हेलो मैसेज किया कि हम आपको जानते हैं, मैसेज किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे अपना प्रॉब्लम बताया कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, हम बहुत गरीब परिवार से हैं, बताया जे मुझे इतना का जरूरत है, तो हम उसको पैसा दिए और वो दो दिन के बाद वापस रिटर्न कर दिया, विश्वास जमा लिया। फिर धीरे धीरे बातें बढ़ते गई, फिर पैसा मांगा हमसे तो हम दिए। फिर धीरे धीरे नवंबर आया तो वो सल्फास का गोली लेकर आया और मेरे पास पार्लर में आया, बोला कि हमसे शादी करो नहीं तो हम मर जाएंगे। और वो सल्फास का गोली अपने मुंह में डाल लिया, बेहोश भी हो गया। तब हम जाकर माने, उसको उठाया और बोले कि ठीक है करेंगे। अच्छा, क्या नाम है उसका? प्रिंस कुमार। कहाँ रहता है? दुल्हिमजार। दोनों का घर एक ही पास है? मेरा लाला भटसारा है। अच्छा, कितना दूरी पे है? 2 से 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर जी। और तुमको प्यार हो गया? जी। और वो सिंदूर डाल दिया, तुम मान गए कि वो मेरा पति है? जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर धीरे धीरे मतलब वो बोला, वो जानता था हमने माइंड को पढ़ लिया कि अगर हम गर्लफ्रेंड बनाएंगे तो ये टच नहीं करने देगी। हाँ। इसीलिए वो शादी किया हमसे। शादी करने के एक महीने बाद फिर धीरे धीरे बोला रिलेशन में आओ नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी, मतलब जैसे जैसे वो बोलता गया हम करते गए, जैसे जैसे बोलते गया हम वैसे वैसे करते गए। फिर हाँ। एक महीने का बच्चा रहा, वो बोला कि बच्चा गिरा दो, और उस समय मेरा तबीयत डाउन रहता था तो दवा खाते थे, वही दवा मिला कर शायद देता था और बोला कि बच्चा के गिरा दो, बाप तो नहीं मिलेगा लेकिन बच्चा तो मिल जाएगा। अच्छा, तुम प्रेग्नेंट भी हो गई थी? जी। कितने महीने? एक महीने। और बच्चा गिरवा दिया? जी। मतलब तुमको नींद का दवा भी देता था? नींद पता नहीं, हम दवा पढ़ कर नहीं खाते थे। अच्छा, कितने दिनों तक ये सब चला तुम्हारे साथ? फिजिकल रिलेशन 2 महीना। 2 महीने जी। अच्छा, परिवार के लोग क्या कहते हैं, उसके परिवार के लोग या तुम्हारे? सर 2 से 3 महीना। तो परिवार के लोग क्या कहते हैं? किसके? मेरे परिवार। मेरे परिवार बोलते हैं हम नहीं जानते हैं इसको। आपको पहचानने से इनकार जी? अच्छा, उनके परिवार क्या कहते हैं? उनके परिवार कहते हैं क्या सबूत है। अच्छा, लड़का अभी कहाँ है? लड़का अभी दुल्हन बाजार में है। अभी है जी। तो आपको देखता है, मिलता है? जी, देखता है और कमेंट करवाता है। क्या कमेंट करवाता है? कि ब्याह किया ना हो, मजा मारा ना, अब दूसरा शादी करो। अच्छा, तो आप ही का कास्ट है क्या? नहीं। तो इतना गंदा टिप्पणी आप पे, इतना मतलब गंदा टिप्पणी कैसे करता? नहीं पता सर। नहीं पता? आप ही ना प्यार की थी? हम प्यार नहीं किए थे, प्यार वो किया था, वो तो हमसे जबरदस्ती प्यार करवाया, वो शादी किया उसके बाद हम प्यार किए। मतलब आप झांसे में आई ना? जी। आप अपने मर्जी से उसके साथ सोई? जी। तो फिर आप भी तो कहीं ना कहीं उसके उसको चाहने लगी ना? जी। तो फिर एक उसके कहने से तो हुआ नहीं, शादी तो आपने भी किया? जी। तो आप मानती है कि आपने बहुत बड़ा गलती कर दिया? जी, हम मानते हैं कि हमने किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए था, आंख बंद करके, वो भी आंख बंद करके भरोसा किए थे। आंख बंद करके किए थे ना? जी। तो आंख बंद करके कब करता है आदमी, जब उसके प्यार में हो? जी। तो अब आपको लग रहा है कि आप जो है बहुत बड़ा गलती कर दी और आपको माँ बाप का बात मानना चाहिए था? जी। तो क्या कहेंगी उन लड़कियों से जो आपके तरह आज दलदल में फंसते जा रही है, प्यार मोहब्बत के दलदल में? हम यही कहेंगे कि प्यार मोहब्बत के दलदल में मत फंसिए, सेल्फ डिपेंडेंट रहिए और अपना कमाइए और अपना खाइए। अच्छा, क्या कुछ कहता था आपको मनाने के लिए, कैसी कैसी बातें करता था? वो शादी के बाद बोलता था, शादी के बाद बोलता था हम तुम्हें ये करेंगे वो करेंगे, विदेश लेकर जाएंगे। मतलब और क्या बोलता था? और यही जो हस्बैंड वाइफ के बीच में बातें होता है। तो मारपीट कब करता था आपके साथ? आप बताइए, बयान भी दे रही हैं सोशल मीडिया पे कि मेरे साथ मारपीट। ये तब किया जब हम उसको पूरा फोर्स करने लगे अप्रैल महीने में कि हमको रखो रखो, तुम्हारी बहन का भी शादी हो गया तो हमें रखो। तो वो बोला कि नहीं, हम नहीं रखेंगे। तब वो प्लानिंग बनाया कि चलो हम तुम्हें नौबतपुर रखेंगे, जहाँ उसकी बहन भाग कर रहती थी। वो बोला कि नौबतपुर में रखेंगे हम, लेकर हमको गया।
मेरा फ़ोन भी उसी के हाथ में था, हम किसी के पास फ़ोन नहीं किए। वो जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हम गए, बोला नकाब बांध लो, नकाब बांध कर गए और वहाँ पे जाके हमको टेल दिया। और वहाँ पे मेरे पूरा फैमिली था और उसका पूरा फैमिली था, उसके दोस्त यार दो तीन थे, वहाँ पे सब हमको मारा। अच्छा, तो अभी आप कहाँ रहती हैं, माँ के पास रहती हैं कि ससुराल में रहती है? अभी हम डेरा लेके अलग रहते हैं। क्या करती हैं? क्या करती हैं आप? अभी पार्लर चलाते हैं। पार्लर चलाते जी है। तो पार्लर में पार्लर से चल जाता है घर परिवार? नहीं, साइड से होम ट्यूशन पढ़ाते हैं। होम ट्यूशन भी पढ़ाते जी। मतलब इतना कष्ट करने के बावजूद आप एक लड़के पे भरोसा करके अपना जिंदगी बर्बाद कर ली जी। अच्छा, क्या कहेंगे, एक तस्वीर भी आप दिखा रही थी जी, वो कैसा तस्वीर था? वो कुछ लड़की मेरे पास पैसा जमा की, सीखने आती थी तो वही पैसा जमा की और वो लड़का आया कि दो, मेरी माँ को लोन भरना है, कर्ज देना है दो। तो हम बोले कि नहीं, हमको किराया देना है। तो वही में हाथा वहीं हो रहा था, वो बोला कि हम लेंगे, हम बोला कि हम लेंगे। मतलब पैसे के लालच में आपसे प्यार किया जी, यूज करके आपको छोड़ दिया जी। अच्छा, आप क्या कहेंगे दर्शकों से, आप क्या कहना चाहेंगी, चाहे अपने इंसाफ के लिए आप क्या मांग करेंगी? अब हम क्या बोलें, जो कहना है कहिए। यही कि आप लोग सपोर्ट करिए तो जरूर मदद। कैसे हम आपको मदद करेंगे कि आपको मतलब अच्छे से रह सकेगा? ज्यादा बेटर रहेगा अगर उसके यहाँ रहेंगे तो, अगर नमक रोटी भी खाएंगे तो उसके यहाँ इज्जत से तो रहेंगे ना। मतलब लड़का आपको रखेगा तो आप रहेंगे जी, उसके घर पे जाके रहेंगे जी। चलिए, तो ये लड़की है जो कि पीड़िता है, फेसबुक से प्यार हुआ था सोना बाबू कह के, जो है 3 महीने तक इनको यूज़ किया, उसके बाद इनको छोड़ दिया गया। आप देख सकते हैं महिला थाने पहुंची हुई है अपनी फरियाद लेकर कि मेरा कोई तो सुने, लेकिन फिलहाल जो है 1 साल से इनका कोई नहीं सुन रहा है और ब्यूटी पार्लर चला कर जो है अपना रोजी रोटी चला रही है, पेट पाल रही है। फिलहाल कहना है सारे जगह घूम ली, हार पछता के महिला थाना आई है और कहना है कि कम से कम हमको उस घर में रखवा दीजिए ताकि हम उस घर में नमक रोटी भी खा के अपना ज़िंदगी गुजार सके। बाकी वीडियो के माध्यम से आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।